सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। किसान आगुआं ते केंद्रीय मंत्रियों दरम्यान चंडीगढ़ में बैठक, किसानी मंगां उत्ते बन सकदी है सहमति। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसान अंदोलन बारे दिता वड्डा बयान, कहा किसानों नूं दिल्ली जाण दा लोकतांत्रिक हक, पर किसानों वल्लों सेना वर्गा माहौल बनाउणा ठीक नहीं। संयुक्त किसान मोर्चे वालों पूरे पंजाब में टोल प्लाजे 11 बजे तो लेकर 2 बजे तक किए गए टोल फ्री, वक्त थाई रोके गए रेल ट्रैक। ते हुण खबरां विस्तार नाल। किसान अंदोलन का अज तीजा दिन है। किसान दिल्ली वाल कूच करन ते अड़े हुए ने। मंत्री नाल किसान आगुआं दी अज बैठक हुण जारी है, जिस विच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय मौजूद रहेंगे। इस बैठक विच पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल ते होर किसान आगू भी शमूलियत करनगे। बैठक तो पहला किसान आगू ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों दी मंगा मन्ने अते MSP उत्ते गारंटी कानून बनाए। दस दिए कि इस तो पहला किसान आगू 8 अते 12 फरवरी नूं केंद्रीय मंत्रियों दे नाल बैठक कर चुके ने, पर कोई हल नहीं निकला सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसान अंदोलन बारे वड्डा बयान दिता। उन्होंने कहा कि किसानों नूं दिल्ली जाण दा लोकतांत्रिक हक है, पर किसानों वालों सेना वर्गा माहौल बनाउणा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाना तो बस राही जाओ, रेल राही जाओ, पर किसानों का दिल्ली जाण दा तरीका सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली बार लाल किले उत्ते की वेखण नूं मिलिया सी, हज़ारां की गिणती विच ट्रैक्टर लेके जाना ठीक नहीं है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस नूं कहा सी कि तुसीं इन्हां नूं रोको, पर पंजाब पुलिस ने अजिहा नहीं किया। उन्हें यह भी दावा किया कि किसानों के व्यवहार तो पता लगता है कि कोई ना कोई इन्हों की हमायत जरूर कर रहा है। पहली बात तो कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है, वो सारी डिमांड चूंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हरेक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितनी उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार इस समय उनकी वीडियोज़ आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, JCB, हाइड्रो और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए, आखिर किसान भी वो अपने ही अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है, आखिर ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए, लेकिन ट्रैक्टर जो है, इट इज़ नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है और जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये एक हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है, तो किसानी के लिए वो जाते हैं तो किसानी का काम करें, ऐसा चैलेंज होता है। ये एक प्रकार का अब इसको शब्द देना ठीक मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके मानस में ये बात आई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं, सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए, बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं, और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं हैं, क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है, और उस अलग अलग स्टैंड में अल्टीमेटली ऐसे लोकतंत्र में इस प्रकार के विषयों को रखने के प्लेटफॉर्म होते हैं। आपसी बातचीत एक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो ये विषय पार्लियामेंट में, ये विषय विधानसभा में, उसमें उठने चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधित्व तो आखिर सबके बीच में से जाते हैं, और मैं तो इस बात के लिए हमारे काम की कार्यपत्ति कैसे ही हो, लेकिन सोच के नाते गुरनाम सिंह चढ़ूणी की प्रशंसा करता हूँ। गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने यह कहा कि हाँ, हम चुनाव लड़के जाएंगे और किसान की बात लोकसभा में रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे, आह्वान है हमारा लोकतंत्र तरीके से, कोई जाए, कोई बात रखे, कहीं आपत्ति नहीं है, बात चले, बहस चले, लेकिन जैसे हरियाणवी में कहा होता ना, मैं तो ना मानूं। अब ये किस तरह से तनाव हो रहा है बॉर्डर पे, दोनों स्टेट के रिलेशंस में भी फर्क आ रहा है, पंजाब ने आपत्ति भी की है जो टियर गैस के शेल्स उनके पंजाब में गए हैं,
ऐसा है, ऐसा है, पंजाब का, पंजाब का अनुभव नया नया है, हमारा अनुभव बहुत पुराना है। अगर ये पंजाब में एक साल भर ऐसे चलता रहा जैसे हरियाणा ने झेला है, तो पंजाब हमको बताएगा कि उनका अनुभव क्या रहा है। किसान अंदोलन के मद्देनज़र पंजाब के कई जिलों में 16 फरवरी तक इंटरनेट सेवावां बंद रखने के हुक्म जारी किए गए हैं। पंजाब हरियाणा की सरहद नाल लगते कई इलाकों में इंटरनेट सेवावां बंद करने के हुक्म दिए गए हैं। पिछले 2 दिनों तो लगातार खनौरी और इस दे नाल लगते इलाकों में इंटरनेट सेवावां बंद वांग कीतियां हुई ने। सूबे के 3 जिले पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहब विखे इंटरनेट सेवावां बंद किए गए। पटियाला में छतराणा, समाणा, घनौर, देवीगढ़ और बलवेड़ा, संगरूर में खनौरी, मूणक, लहरा, सुनाम, छाजली विखे इंटरनेट सेवा बंद की गई है। यह हुक्म केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों जारी किए गए हैं। यह सेवावान 16 फरवरी की रात 11:59 तक बंद रहनगियां। दसा जा रहा है कि भलके भारत बंद के सदे दरम्यान यह फैसला किया गया है। इन हुक्मों की कापी फतेहगढ़ साहब के संसद मैंबर डॉक्टर अमर सिंह ने जनतक की है और नाल ही कहा कि बेहद गलत हो रहा है। किसानों के दिल्ली चलो दे अंदोलन का अज तीसरा दिन है। किसान दिल्ली कूच करन ते अड़े हुए हैं। उत्थे अज मुड़ केंद्रीय मंत्री दे नाल किसान अगुआं दी बैठक हो रही है। इस तो पहला भारतीय किसान यूनियन झड़ूनी ने वड्डा फैसला किया है। पंजाब के टोल प्लाजा फ्री करन तो बाद गुरनाम सिंह झड़ूनी ने ऐलान किया कि भलके हरियाणा के भी टोल प्लाजे 3 घंटे लिए टोल फ्री होंगे। उत्थे ही पछमी उत्तर प्रदेश में भी टोल फ्री करवाने का काम किया जाएगा। झड़ूनी ने कहा कि 17 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन ट्रैक्टर मार्च कढ़ेगी। यह फैसला कुरुक्षेत्र के झड़ूनी पिंड में भारतीय किसान यूनियन की बैठक में लिया गया। 3 घंटे का 12 बजे से 3 बजे तक कल टोल फ्री रहेंगे, मंजूर है सबको? हाँ, कह देंगे, कोई नहीं। हमारे सरपंच एसोसिएशन के भाई भी बैठे हैं, आपको अपना मैसेज देना आपकी जिम्मेवारी है। सारी सरपंच एसोसिएशन जो है वो भी कल मैदान में नजर आनी चाहिए। लेकिन इसके साथ बैठ जी, इसके साथ मेरा एक अनुरोध ये भी है कि हमारा कोई आदमी दंगा नहीं करेगा, हमारा कोई आदमी तोड़फोड़ नहीं करेगा, हमारा कोई आदमी पुलिस से नहीं टकराएगा। ये हमारी बहुत सख्त हिदायत है। जो तोड़फोड़ करेगा, जो दंगा करेगा, कहीं आगे नहीं करेगा, वो हमारा आदमी नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं सरकार का एजेंट होगा या कहीं ना कहीं किसान कम्युनिटी का, मजदूर कम्युनिटी का दुश्मन होगा। और उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना भाई, ठीक है? हमें शांतिपूर्वक करना है। दूसरा हमारा प्रोग्राम उसके अगले दिन का प्रोग्राम है कि हर तहसील के अंदर, तहसील छोटे शहर में होती है जैसी हमारी शाहबाद में है, हर तहसील के अंदर हमने ट्रैक्टर परेड करनी है, हर तहसील के अंदर हमने ट्रैक्टरों से प्रदर्शन करना है। और कोई ट्रैक्टर गांव में ना खड़ा रहे, सारे ट्रैक्टर हमारे सड़क पे नजर आने चाहिए। और उसमें भी मैं ये अपील करूंगा कि उसके अंदर भी चाहे कोई टोल कमेटियां हैं, चाहे कोई लंगर कमेटियां हैं, चाहे हमारी पंचायत एसोसिएशन है, चाहे हमारे कोई और भाई है, जो देश के लिए लड़ना चाहते हैं, जो इस किसान मजदूर को, गरीब को बचाना चाहते हैं, जो इस देश को कारपोरेट को बिकने से बचाना चाहते हैं, वो सारे संगठन उस ट्रैक्टर परेड में शामिल होने चाहिए। वो सारे संगठन मिलके हर ट्रैक्टर गांव से निकले, सबका योगदान होना चाहिए। कोई ट्रैक्टर गांव में ना खड़ा रहे। और ट्रैक्टर वाले भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा कि वो आगे पीछे भगा के वो उपद्रव ना करे, वो इस तरह से ना करे कि किसी का जानी माली नुकसान। दिल्ली जा रहे किसानों उत्ते हरियाणा पुलिस वालों किए तशद्दुद के विरोध में पंजाब भर के किसानों में रोस देखने को मिला, जिस कारण संयुक्त किसान मोर्चे वालों पूरे पंजाब के टोल प्लाजे 11 बजे तो 2 बजे तक फ्री किए गए। जैतो नेड़ले पिंड जींदे का टोल प्लाजा भी आम जनता के आने जाने लिए फ्री किया गया। इस मौके वड्डी गिणती किसानों ने केंद्र और हरियाणा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की।
संयुक्त किसान मोर्चे की एमरजेंसी मीटिंग सद के जो साडे किसान दिल्ली कूच कर रहे थे उत्थों की सेंटर सरकार हरियाणा सरकार खट्टर सरकार आ जो साडे किसानां ते उन्होंने सड़कां ते वड्डे वड्डे किल ला के वड्डे वड्डे बैरीगेट ला के जिवें साडे किसान लड़न चले हुंदे आ उन्होंने उन्होंने उत्थे रोकिया साडे किसान फट्टण भी बहुत होया उहदे विरोध च असी सेंटर सरकार नूं ते हरियाणा सरकार नूं दसण दे तौर ते वी जिहड़े अज टूल प्लाजे आ 11 तों लै के 2 वजे तईं असी फ्री कीते हुए आ आउण वाली जिहड़ी 18 तरीक आ असी ਉਹ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ 2 ਜਾਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟੜ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟੋਲ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇਹੋ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਡਟ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਿਛਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਬਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ BKU ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ
मानसा जिले के बुढ़लाडा स्टेशन के उत्ते बड़ी गिणती दे विच किसान मर्द औरतां ने जिहड़ियां उह सरकारी जबर के खिलाफ सड़कां ते नित्र के आए ने अते चार घंटे रेलां जाम रहणगियां क्योंकि केंद्र दियां रहिंदियां मंगां दिल्ली अंदोलन तो बाद सरकार ने वादा खिलाफी करके वह नहीं मनिया इस करके उल्टा जे किसान जथेबंदियां विरोध प्रदर्शन करने लई जिद्दी दिल्ली कूच का सद्दा दिता गया कुछ जथेबंदियां वल्लों पर किसानां नूं अगे नहीं जाण दिता जा रहा अते बार्डरां दे उत्ते बहुत धक्केशाही की जा रही है अथरू गैस के गोले रबड़ दियां गोलियां अते होर भी बहुत सारा जिहड़ा जबर दा समान लैके सरकार किसानां दे राह दे विच चढ़ी हुई है ते बड़े पत्थर रखे गए ने किल ठोके गए ने सड़कां बंद कीतियां गईयां ने जिहदे विरोध दे विच अज दा इह साडा प्रदर्शन है। शंभू बार्डर ते खनौरी बार्डर उत्ते किसानों का धरना अज तीजे दिन भी जारी है। इस दौरान हरियाणा पुलिस वल्लों की गई कार्रवाई दौरान तकरीबन 100 किसान जख्मी हुए ने। इन्हां जख्मी किसानों का हाल जानने के लिए विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा सरकारी हस्पताल राजपुरा विखे पहुंचे। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने किसानों का हाल चाल जाने उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस वल्लों किसानों के नाल वधीकी की जा रही है पर पंजाब सरकार किसानों के नाल डट के खड़ी है। संधवा ने पटियाला राजेंद्र हस्पताल में भी इलाज अधीन जख्मी किसानों का हाल चाल जानिया। राजपुरा में राजपुरा के विधायक नीना मित्तल ने कहा कि सरकार वालों हस्पतालों को अलर्ट उत्ते रखा गया है जख्मी किसानों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। सो स्पीकर कुलतार सिंह संधवा जिहड़े ने किसानी अंदोलन के विच किसान जिन्हां दे सट्टा वज्जे ने उन्होंने हाल चाल जानने इस विच पहुंचे ने गलबात करदे आ सर हाल चाल जाने तो किदां हालात ने हुण की कहना चाहते हो उहदे बारे। देखो देश नूं आजाद कराउण वाला किसान है देश दा अन्न भंडार भरन वाला किसान है देश की राखी करदे किसान दे बच्चे है तो उन्हां किसानां ते इन्ना तशद्दुद उन्हां ते इन्ना तशद्दुद ये कोई देश के दुश्मन थोड़ी है और जायज मंगा मान रहे वो मंगा मान रहे जिहड़ियां तुसीं खुद मन्नियां होईयां पहलां मोदी साहब जो आपोजिशन से उदा आप कहें भी असं लैके देवे फिर हूँ जो चुकाया धरना उदों भी लिख के दिता इन्होंने भी हल करा सो हूँ ये मुकरदे आ बिल्कुल माड़ी गल है सरकार वाली गल नहीं है गुंडागर्दी है। देखो मैं लगता है सरकार के लैवल से होएगी अज हाई कोर्ट के भी यह गल हुई है भी पीसफुल रहना चाहिए धक्केशाही नहीं करनी चाहिए ठीक है जी। और सर कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट आई है किन्ने किसानों के सट्टा वजिया ने किन्ने गोली लगिया ने क्योंकि असं देखा जी एक किसान के पेड़ भी गोली लगी है जिन्हों का इलाज चल रहा है एग्जैक्ट कोई रिपोर्ट देख आई है सामने कोई 70-71 के करीब इतने आए ने किसान ते बाकी सारे इतों चार शायद रैफर किए बाकी डिटेल तो एस एम ओ तो मिल जूगी तो दर्जन के करीब मेरा ख्याल 10 के करीब इतने ने मैं सारे मिल के आया चढ़ती कला च ने लेकिन उन्होंने कसर कोई नहीं छी चढ़ती कला कोई सरकार वालों की खास तौर पर कोई उन्होंने इलाज का प्रबंध एंबूलेंस का प्रबंध सारा मुख साढ़े मुख्यमंत्री साहब पूरा ध्यान रख रहे हैं भगवंत मान जी और जेहड़े साढ़े सेहत मंत्री है साढ़े एम एल ए घनौर साहब है बीबी जी राजपुरे वाले सारे 24 घंटे इन्हां दे नाल सेवा च खड़े है। देखो हुण तक इत्थे 76 पेशेंट आ चुके ने जख्मी आ चुके ने पहले दिन 26 आए सीगे उदों हालात ज़्यादा सीरीयस लगते सी सानू पर हुण थोड़ा जिहा कंट्रोल च है क्योंकि असीं यही सोच रहे हैं कि जिहड़ा संघर्ष है पहले दिन उन्हां नूं नहीं उम्मीद सी कि जिहड़े हरियाणा गवर्नमेंट है भी साडे नाल इदां दा बिहेव करूगी कि जिवें मैं कहिंदा पाकिस्तानी बॉर्डर ते भी नहीं हुंदा तां अज काफ़ी इत्थे रिलैक्स हैगा पेशेंट आ रहे ने इत्थे पूरे अरेंजमेंट ने डॉक्टर्स दे अरेंजमेंट ने मेडिसिन दे अरेंजमेंट है सरकार वल्लों हर किते मतलब असीं आपदे किसान वीरां नाल खड़े हाँ जिहड़े किसान वीर साडे शांतिमई प्रोटेस्ट करन चले सी ते उन्हां ते जुलम हो रहे ते स्पीकर साहब भी अज पहुंचे ने की हुण कहा गया कि क्योंकि जिहड़े किसान जख्मी होए ने कि उन्हां वास्ते सरकार किदां दे बंदोबस्त कर रही है क्योंकि जिस तरह गल की आवे मसला इन्नी जल्दी जिहड़ा ठीक होने वाला नहीं है 5 बजे की मीटिंग रखी गई है उस तों बाद सरकार वल्लों की प्रबंध ने। देखो असी इत्थे दे जिहड़े होस्पिटलां दे अरेंजमेंट है वो सरकार वल्लों पूरे किए गए ने किसी भी पेशेंट का पूरिया हिदायतें कि एक रुपया भी नहीं लगना चाहिए जिहड़ा कोई जख्मी आंदा है असी इत्थे दवाइया होन डॉक्टर्स दी होन डॉक्टर्स की गिनती इत्थे बढ़ा दी गई है एंबूलेंस की गिनती बढ़ा दी गई है। पंजाब भर के पेट्रोल पंप मालकों ने अपनी मंगों के नाल नाल किसानों के हक में डटन का ऐलान किया। पेट्रोलियम डीलर एसोसीएशन ने अज 15 फरवरी पेट्रोल डीजल न खरीदने का फैसला किया। इस तो इलावा 16 तरीक के भारत बंद के सदन भी पेट्रोल डीजल एसोसीएशन वालों समर्थन करने का ऐलान किया गया। 15 ते 22 फरवरी पेट्रोल ते डीजल की खरीद बेच ना करने का भी ऐलान किया गया। पंप मालकों ने अज पूरा दिन पेट्रोल ना खरीदने का फैसला किया है। इस दे नाल ही 22 फरवरी पेट्रोल पंपों को पूरी तरह नाल बंद किया जाएगा। पटियाला विच पंप मालकों का कहना है कि पेट्रोल पंप मालक पिछले लगभग 7 सालों तो पेट्रोल ते डीजल का कमीशन वधाउण नूं लैके संघर्ष कर रहे हैं पर केंद्र सरकार वालों उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की जा रही जिस करके समूह पंप मालकों में रोस पाया जा रहा है। कुछ थाई
तेल की किल्लत दी भी अज खबर आईया ने। साड़ी अज की 15 तारीख की नो परचेज से सिर्फ नो परचेज कस्टमर अभी तेल देना ही देना है क्योंकि साढ़े को प्रोडक्ट हैगा कल का परसों का खरीदया हुआ सी। सिर्फ स्ट्राइक हैगी साड़ी 22 तारीख की नो सेल ओनली 22 तारीख की सर। तो उस दिन थोड़ी दिक्कत होएगी लेकिन वह भी असी रिक्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक नू के वीक नू जिन्ना उन्होंने रिक्वायरमेंट हैगी सिर्फ एक दिन वास्ते पंप बंद रहेंगे तो वो वीक नू लै लैन परचेज कर लैन प्रोडक्ट 22 नू बंद रहेगा अज बंद है कल बंद है 22 नू नहीं सर बंद नहीं हैगा। यह कोई गलत न्यूज़ चल गई हैगी किसी चैनल वालों साढ़े वालों कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई हैगी कि 15 तो लैके 22 तक बंद है सिर्फ 22 तारीख की नो सेल दी साड़ी कॉल है आज तेल मिल रहा आज तेल मिल रहा सर। और कल 16 तारीख है कल एक पंजाब भारत बंद का सदा उदे विच तुसी शमूलियत कर रहे हो पंप बंद होणगे सर असी उन्हां दे नाल खड़े हैगे किसान यूनियन जथेबंदियां नाल कि वह भी साडा साथ देंदे हैगे जरूरत दे टाइम ते जे उन्हां वल्लों कॉल होएगी पंप बंद करन वास्ते असी पंप बंद करांगे सर। किन्नी देर लई बंद रहेगा उन्हां दी सर टाइमिंग 10 बजे तो 4 बजे तक हैगी सवेरे 10 तो शामी 4 बजे तक असी वह टाइमिंग दे सामने जे साडे कोल आणगे अप्रोच करनगे असी बंद करांगे सर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ ਲਈ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਟੈਂਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦ
ਬਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਨੋ ਸੇਲ ਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਪਿੱਛੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਹੈ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਸਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ